मैस्टरबेट छोड़ने के बाद कितने दिन में आपकी दाढ़ी आ जाएगी? अगर आप हिलाते हो और आप उसको छोड़ना चाहते हो और आप ये सोचते हो कि यार मैं हिलाना छोड़ दूँ इसके बाद मेरी दाढ़ी कितने दिन में आ जाएगी, तो आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं। प्रॉपर जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना पड़ेगी। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैस्टरबेट एक ऐसी लत होती है जो एक हर एक लड़का अपनी लाइफ में कभी ना कभी करता है, खुद का सुख होता है और वो इसको करना ही पड़ती है लाइफ में, क्योंकि प्रॉब्लम्स मैं समझ सकता हूँ बॉयज़ की, तो हर एक प्रॉब्लम हर एक बॉय करता है और ये प्रॉब्लम्स एक आम प्रॉब्लम होती है। तो लेकिन बात ये आती है कि भाई करते तो हैं लेकिन प्रॉब्लम्स भी आती है, लेकिन क्या वाकई में ये छोड़ने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व होनी चालू हो जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट्स मेरे पास आइए तो इसका जवाब हम देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप मैस्टरबेट करते हो, हफ्ते में एक बार करते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये अगर आप नहीं करोगे तब भी ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर आप हर दिन करते हो पर दिन में दो तीन बार करते हो तो ये आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, क्योंकि आप उस चीज़ को निकालते हो जो बड़ी मेहनत से बनती है और बड़ी अच्छी डाइट लेने से बनती है। जैसे कि आप दिन भर का जो भी कुछ खाना खाते हो और अच्छा खाओ बुरा खाओ जो भी कुछ खाते हो, उससे आपकी बॉडी में जो बनता है आप उसको निकालते हो, थोड़े से इन्जॉयमेंट के लिए निकालते हो। तो बाकी जो आपको नुकसान होते हैं वो अलग वाली बात है, आपके पर्सनल पार्ट डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम दाढ़ी के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप मैस्टरबेट ज़्यादा मात्रा में करते हो तो उससे आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल कम हो जाते हैं, जिसके वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम सामने आती है। अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल की कमी होने लग जाती है तो आपके दाढ़ी पर या फेस पर बालों की ग्रोथ नहीं होती है, सिर के बाल झड़ने लग जाते हैं और आपकी आंखों की रोशनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह स्किन की प्रॉब्लम्स ही आती है। तो आप अगर कंटिन्यू कर रहे हो और आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो गए, फिर आप सोचते हो यार कब वाकई मुझे ये प्रॉब्लम हो रही, अब मैं क्यों ना इसको छोड़ दूँ, तो कितने दिन बाद बीएड आएगी? तो आप इसको अच्छे से समझें, जैसे कि आपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल काफ़ी लो कर रखे हैं और आप छोड़ने के बाद वो बहुत टाइम लेंगे इंक्रीज़ होने के लिए, जैसे कि काफ़ी कम हो गए। एग्जांपल के लिए 250 से 1000 के बीच में आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल होने चाहिए, तब आपकी बीएड ग्रोथ होती है। अगर 250 से कम है, जैसे कि 100 है, 150 है, 180 है, अगर उस टाइप के हैं तो आपके 250 होने में लगभग 4-5 महीने लग जाएंगे। चाहे आप अच्छी डाइट लें, अच्छा वर्कआउट करें, कुछ भी करें, कितनी भी कोशिश करें, 2 से 3 महीने लग जाते हैं। तो आप अगर ब्रह्मचार्य का पालन करना चालू कर दें, उसको छोड़ना ब्रह्मचार्य का पालन करना नहीं होता, जैसे कि संत महात्मा वगैरह होते हैं जो सन्यासी होते हैं उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं, तो उस टाइप से अगर आप मैस्टरबेट करना बंद कर दोगे तो कम से कम 6 महीने लग जाएंगे आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बैलेंस होने में, और 6 महीने में आपकी बॉडी रिकवर हो जाएगी, आपको जो दुबले पतला शरीर है वो भी मैनेज हो जाएगा और आपकी बीएड ग्रोथ होनी लग जाएगी। इस बात को ध्यान दें, आपको अच्छी डाइट भी लेना है, चाहे वर्कआउट भी करना है, क्योंकि ऑटोमेटिक ज़्यादा समय लेगा और आप अगर आपकी बॉडी को अच्छा टाइम दोगे, अच्छा लाइफ स्टाइल रखोगे, जो खान पान है उसको चेंज करके विटामिन प्रोटीन्स वाले सोर्स लोगे, चाहे वो सप्लीमेंट्स हो, मार्केट में जो भी सप्लीमेंट्स मिलते हैं वो हो, या फिर आप घर पर सप्लीमेंट्स हो, या फिर आप अच्छे विटामिन प्रोटीन्स अगर आप खाओगे तो उससे आपके टेस्टोस्टेरोन जल्दी से इंक्रीज़ हो जाएंगे। 6 महीने अगर आप मैस्टरबेट करना या हिलाना छोड़ दोगे तो आपकी दाढ़ी प्रॉपर आ जाएगी और 6 महीने बाद आपको ऐसा लगेगा यार मैंने कुछ बहुत अच्छा काम कर लिया, क्योंकि जो लोग मैस्टरबेट करते हैं उनकी बॉडी नहीं बढ़ती है और मसल्स ग्रोथ नहीं होती, दाढ़ी नहीं आती है, गाल चीक्स बैठ जाते हैं, हेयर फॉल होने लग जाते हैं और हाइट भी रुक जाती है। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप सावधान हो जाए, क्योंकि जो मेरे वीडियोस हैं वो प्रॉपर तरीके से सटीक वीडियोस में बनाता हूँ और खुद एक्सपीरियंस कर रखा है सब कुछ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी कुछ आपको बोले भाई मैस्टरबेट करने से कुछ नहीं होता, उन सब की बातों में ना लगे, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको जिस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है वो चीज़ आप ज़रूर करें, जिस जो चीज़ नुकसान कर रही है उस चीज़ को आप कभी ना करें। तो अगर आप 1 मिनट के सेटिस्फेक्शन के लिए, 1 मिनट के सुख के लिए अगर आप ये काम कर रहे हो और उससे आपको नुकसान हो रहा है तो आपको तुरंत बंद करना चाहिए, इस बात पर गौर करें। बाकी सारे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या कुछ करना चाहिए, लेकिन हाँ, हिलाने से आपकी बीएड ग्रोथ नहीं होती, आपकी मसल्स ग्रोथ नहीं होती, ये आप मुझसे कहीं पर भी लिखवा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आपको ज़रूर आएगी। तो मेरा काम है आपको गाइड करना और आपको समझाना, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या कुछ करना चाहिए, बट लाइफ स्टाइल आप अगर सही करना चाहते हो तो इस वीडियो को फॉलो ज़रूर करें।
सो आई अभी वीडियो आपको अच्छा लगा उस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज यू अगेन।